हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवा रही थी, जिसमें हमने जो स्टडी किया था वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टार्ट किया था, जिसमें पहला रिएक्टिव इंटरमीडिएट हमने पढ़ लिया था फ्री रेडिकल्स। आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन पढ़ेंगे। क्लियर? हम सबसे पहले कार्बोकैटायन कहते किसे हैं, इस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है कार्बन की, कौन से टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये इनकी स्टेबिलिटी क्या है, ये कौन से फ्यूज़न से बनते हैं, ये एक एक करके हम पूरी स्टडी करेंगे। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर में आपसे ज़्यादातर नॉर्मली जो पूछा जाता है वो या तो शॉर्ट नोट पूछेंगे इस पे, या आपको बहुत सारे कार्बोकैटायन दे दिए उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछेंगे, तो हम स्टेबिलिटी भी निकालेंगे कि किस तरीके से इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें कैसे पता चलता है। चलो, हम इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। और रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कौन सा पढ़ेंगे? कार्बोनियम आयन, और इसी को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैटायन और कार्बो मींस ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या कहलाती है? कार्बोकैटायन कहलाते हैं। ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या कहलाएंगी? कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन कहलाएंगे। क्लियर? क्या डेफिनेशन आ गई? कार्बोनियम आयन इज ए ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच कार्बन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, क्या कहलाएगा? कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन कहलाएगा। जैसे ये ऑर्गेनिक स्पीसीज है जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या कहलाएगा? कार्बोकैटायन कहलाएगा। क्लियर? पहली बात। अब दूसरी बात, इस जो कार्बोकैटायन बना है इसमें क्या है? तीन तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है इस कार्बन के पास, तीन तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको हम थ्री बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, और पॉजिटिव चार्ज आया, इट मीन्स इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है। हम उन्हीं स्पीसीज को स्टेबल मानते हैं जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, मीन्स अभी ये अपने इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करेगी तो क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी, मीन्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। ये कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। और जो बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लुईस एसिड, है ना? तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? लुईस एसिड की तरह। ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहेगा स्टेबिलिटी लाने के लिए। क्लियर? अब ये जिस पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है इस पे कौन सा रिएजेंट आएगा? अटैकिंग स्पीसीज बोलते हो ना, कौन सी अटैकिंग स्पीसीज आएगी?
कौन आएगी अटैकिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रोफाइल आएगा या न्यूक्लियोफाइल आएगा? कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? वो अटैकिंग स्पीसीज जो न्यूक्लियस से प्यार करती है, जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगी। कौन आएगा अटैकिंग स्पीसीज? न्यूक्लियोफाइल। मीन्स ये कौन से टाइप की रिएक्शंस देंगे? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देंगे। कौन से टाइप की रिएक्शन देंगे? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देंगे। क्लियर यहां तक? अब देखो, चार्ज आया, किसी भी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो चार्ज कब आता है? होमोलाइटिक क्लीवेज में आएगा या हिट्रोलाइटिक क्लीवेज में? किसमें आता है? हिट्रोलाइटिक क्लीवेज में। होमोलाइटिक का मतलब दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स है उनको वन वन जाएगा दोनों एटम्स के पास। और हिट्रोलाइटिक का मतलब क्या है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चले जाएंगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स चले गए उस पे तो नेगेटिव चार्ज जुड़ा रहेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे अब हम इस स्पीसीज से कोई, मान लो ये जो था ये फॉर्म थी, ऐसे लिख लो CH3CH2OH, अल्कोहल है ये। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये अपने पास ले जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने पास चले गए, मीन्स कौन से टाइप का क्लीवेज हो रहा है? हिट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। तो क्या बनेगा आपके पास? कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्लियर? तो कार्बोकैटायन कब बनेगा? जब कौन सी स्पीसीज जुड़ी हुई हो इसके साथ? ऐसी स्पीसीज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज जुड़ा हुआ हो, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ये तो था कार्बोकैटायन। अब हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कार्बोकैटायन के। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, देखो सबसे पहले इस कार्बोकैटायन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना सीखते हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं इसके पास? 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, यही होगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? अब कैटायन बना C+, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इससे गायब कर दो। क्लियर? ये एक्साइटेड स्टेट में जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में है ना, तो क्या होगा? ये S में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और ये प्रमोट होके कहाँ चला जाएगा? एक P में चला जाएगा। तो ये एक S और दो P मिलके तो जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बन गए? 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेता है कार्बन। और इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल रहता है, ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
अपने आप को 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज कर लेते हैं, क्लियर, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कह रही हूं, तीनों sp2 क्या होंगे, प्लेनर होंगे। पहली बात मीन्स इनकी स्ट्रक्चर जो है वो को प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है, प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। और कौन सी बनेगी, तीनों में 120 डिग्री, तो कैसा होगा ये, ट्राइगोनल प्लेनर। ये एंगल 120 डिग्री का है, और ये तो तीन क्या हो गए, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और एक कैसा हो जाएगा, पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो प्लेन के परपेंडिकुलर अपने आप को अरेंज करता है। तो ये प्लेन है तो प्लेन का परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, ये, और ये कैसा होगा, वैकेंट होगा, ये कैसा होगा, वैकेंट होगा, क्लियर। तो स्ट्रक्चर्स कैसी हुई इसकी, इसकी जो स्ट्रक्चर जो बनती है वो कोप्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होती है, कोप्लेनर ट्राइगोनल। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 इनके बीच में, और एक वैकेंट और पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है जो परपेंडिकुलर रहता है, प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, क्लियर। ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि हमें पता होगा जिस तरीके से हमने उसमें पढ़ा था ना फ्री रेडिकल्स में, कि जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उसी के नाम पे उसका फ्री रेडिकल्स को नाम दे दिया। यदि वो प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाया, सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाया, टर्सरी पे जुड़ा हुआ है तो वो टर्सरी कहलाया, बेंजाइलिक ग्रुप पे जुड़ा हुआ है तो वो बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कहलाया, एलाइलिक पे जुड़ा हुआ है तो वो एलाइलिक फ्री रेडिकल कहलाया। वैसे ही कार्बोकैटायन भी यदि प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो उसको प्राइमरी कार्बोकैटायन कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो उसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहेंगे, और यदि पॉजिटिव चार्ज टर्सरी कार्बन पे है तो उसको टर्सरी कार्बोकैटायन कहेंगे, यदि पॉजिटिव चार्ज बेंजाइलिक ग्रुप पे है तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहलाएगा, एलाइलिक पे है तो एलाइलिक कार्बोकैटायन कहलाएगा, क्लियर। मीन्स टाइप्स ऑफ कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, कौन होगा जब पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन क्या हो, प्राइमरी हो, व्हेन पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन इज प्राइमरी, प्राइमरी कार्बन हम जानते हैं जब कार्बन एक या एक से भी नहीं जुड़ा हुआ रहता, जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो या एक से भी नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। तो ये जब पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी कार्बन पे होगा तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाएगा, जैसे CH3CH2 पॉजिटिव कैसा है, ये प्राइमरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है, मीन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो केवल एक ही कार्बन से और जुड़ा हुआ है तो ये कैसा होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। तो यदि प्राइमरी कार्बन पे है तो ये प्राइमरी कार्बोकैटायन कहलाएगा, CH3 पॉजिटिव, इसको भी हम प्राइमरी कार्बोकैटायन की कैटेगरी में ले, क्लियर, पहली बात। दूसरा कौन सा टाइप का है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन मीन्स जब पॉजिटिव चार्ज
किस पे हो, सेकेंडरी कार्बन पे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहेंगे। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है CH3, CH2, CH3, CH, ये कौन सा है कि देखो इस पे दो कार्बन जुड़े हुए हैं, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक और दो, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। और यदि तीन कार्बन जुड़े हुए होते या टर्शरी कार्बन पे होता तो वो क्या कहलाता है, टर्शरी कार्बोकैटायन कहलाता। ये क्या कहलाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन, कब, जब पॉजिटिव चार्ज किस पे जुड़ा हुआ हो, टर्शरी कार्बन पे जुड़ा हुआ हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, टर्शरी कार्बोकैटायन कहेंगे। जैसे C पॉजिटिव CH3, CH3 और CH3, इस पॉजिटिव चार्ज कैरिंग कार्बन पे कितने कार्बन अटैच हैं, एक दो तीन, इसलिए क्या कहलाएगा, टर्शरी कार्बोकैटायन कहलाएगा। क्लियर, दो और टाइप के पढ़े थे हमने, कौन कौन से, फ्री रेडिकल्स में बताया था एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक का मतलब तीन कार्बन पे एक पे डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये वाला जो ग्रुप होता है ये एलाइलिक ग्रुप होता है। क्लियर, तो ये कि कार्बन कार्बोकैटायन कौन सा कहलाएगा, एलाइलिक कार्बोकैटायन कहलाएगा। अभी स्टेबिलिटी देखेंगे हम इनकी, ठीक है। और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन मींस ये बेंजीन रिंग CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन कौन सा होगा, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये बेंजाइलिक कार्बो कैटायन होगा, ठीक है। अब हमने टाइप्स ऑफ कार्बो कैटायन तो पढ़ लिया, लेकिन बेटा ये सोचो इनकी स्टेबिलिटी कब होगी, मीन्स ये स्टेबल कब होंगे, जब ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसकी डेंसिटी इस कार्बन पे कम हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और ये अपनी उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने की कोशिश करेगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो किससे कम होगी, जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यदि इस कार्बोकैटायन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो वो इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा हो, या कहें कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा हो, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा, वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। अब देखो हमने बात की प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन की, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो बढ़ती है वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बढ़ती है। दो पढ़ते हो ना, इंडक्टिव इफेक्ट कौन कौन से, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। जब इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो कौन सा इफेक्ट शो करता है,
माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब बेटा हम बात कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। हमें पता है कि CH3 ग्रुप जो होता है या CH2 CH3 ग्रुप, ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। यदि ये ग्रुप जैसे ही जुड़ेंगे उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो 1 डिग्री में सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन कैसा वो दिखाता है? प्लस आई इफेक्ट। 2 डिग्री में कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन, मीन्स प्लस आई इफेक्ट वाले 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और तीसरे में 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं प्लस आई वाले, मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट जो है वो कितने कर रहे हैं? 3 कार्बन कर रहे हैं, जिससे इस पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब सबसे स्टेबल कौन होगा? टर्सरी। जैसे आपसे ये कहा जाए कि इनका ऑर्डर क्या होगा, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज, इसकी बात करें हम, है ना। अब देखो आप यहां पे बेटा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ये 3 ग्रुप, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मीन्स स्टेबिलिटी आ जाएगी। प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई वाले कितने ग्रुप लगे हुए हैं? 3 ग्रुप, जो चार्ज डेंसिटी को, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को कम कर देंगे। यहाँ पे कितने लगे हुए हैं? 2, तो 3 के कंपेरेटिवली में तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे तो कितना लगा हुआ है? केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो और भी कम करेगा, और यहाँ पे तो कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा हो, तो ये क्या होगा? ये तो सबसे कम स्टेबल होगा, या ये तो कहें कि ये तो अनस्टेबल रहेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी, फिर कौन सा होगा? सेकेंडरी, और फिर कौन सा होगा? प्राइमरी, और फिर कौन सा होगा? मिथाइल कार्बोकैटायन। क्लियर यहाँ तक? अब इस कार्बोकैटायन, यदि ये कार्बोकैटायन किसी कॉन्जुगेटेड ग्रुप के साथ भी जुड़ा हुआ, कॉन्जुगेशन में जुड़ा हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन है, तो हमें पता है कि रिजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइजेशन आ जाती है इसमें। अब हम बात करते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन में। देखो एलाइलिक कार्बोकैटायन की हम कितनी सारी एलाइलिक कार्बोकैटायन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। जितनी ज़्यादा, हमें ये भी पता है कि जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं बात कर रही हूँ एलाइलिक की, तो एलाइलिक में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसके पास एक वैकेंट अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जो प्लेन के ऊपर है, और यहां पे भी तो बेटा एक 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 ये तो था अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसके ओवरलैपिंग से क्या बन रही थी? पाई बॉन्डिंग हो रहा था, ये तो हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है। यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इसने क्या किया? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको ट्रांसफर कर दी, तो जैसे इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा इससे खींच लेगा, मीन्स ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट होते ही इस पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे कितने कार्बन पे शिफ्ट हो गया? 1 और 2 कार्बन पे शिफ्ट हो गया।
तो इसकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि वहाँ पे जहाँ पे टर्शरी कार्बन की बात की थी, है ना, दिमाग में आएगा अरे यहाँ तो तीन ग्रुप लगे हुए थे, लेकिन फिर भी मैम ने, हाँ तीन ग्रुप है लेकिन ये कोई इस तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिए जाए ऐसा, क्योंकि यहाँ पे सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो क्लियरली ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन दोनों कार्बन्स पे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया यहाँ पे, बल्कि इस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हल्की सी यहाँ शिफ्ट हुई है, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन मिला है, लेकिन एलाइलिक की स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है किससे, टर्शरी कार्बन से। क्लियर? इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनाई आपने, दो। अब हम बात कर रहे हैं बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की, ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के बनाते हैं और उसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करते हैं कितनी बनेंगी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो उतना ही स्टेबल होगा। ये था आपका, क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ट्रांसफर हो गए, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहां डबल बॉन्ड आ गए और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से यहां आ गए, तो जैसे यहां आएंगे ये पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो गए, जैसे यहां ट्रांसफर होंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग पे डीलोकलाइज्ड हो गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी रिंग पे डीलोकलाइज्ड हो गया, जो पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे था अब वो सातों के सातों कार्बन्स पे डीलोकलाइज्ड हो गया। कितनी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, एक दो तीन, तीन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, मीन्स क्या हुआ, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, किससे ज़्यादा हो गई, एलाइलिक कार्बोकेटाइन से ज़्यादा हो गई। तो सबसे स्टेबल हमने क्या निकाल लिया, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। फिर कौन सा निकाला हमने, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। फिर हमने क्या कहा, प्लस आई इफेक्ट वाले यदि तीन कार्बन जुड़े हुए हैं तो मोर स्टेबिलिटी आएगी, मीन्स टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और फिर कौन सा ग्रुप, CH3 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होता है। क्लियर? ये था इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी बताने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जो इस कार्बोकेटाइन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऐसा कोई ग्रुप जुड़ता है तो वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो इस कार्बोकेटाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर या इलेक्ट्रॉन खींच रहा है
तो इस कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ाएगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और भी कम हो जाएगी। अब स्टेबिलिटी के बाद अब हम बहुत बार रिएक्शंस देखते हैं तो हम कह देते हैं कि ये रीअरेंज हो गया, क्योंकि हमें अभी हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था कि टर्सरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यदि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो बना तो प्राइमरी कार्बोकैटायन है लेकिन वो रीअरेंज होके मिथाइल ग्रुप शिफ्टिंग हो गई या हाइड्रोजन ग्रुप शिफ्ट हो गया, तो उससे ये सेकेंडरी या ट्रिपले टर्सरी कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो सकता है, तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, क्योंकि हर स्पीसीज चाहती है कि अपने आप को मोर स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वहाँ से हमें जब भी प्रोडक्ट मिलेंगे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे हम एक रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन कराई HNO3 के साथ, ठीक है, तो ये NH2 बाहर रिमूव हो गया और यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, क्या हुआ, NH3 बाहर रिमूव हो गया, यहाँ से H गया और यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया CH2 पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर अट्रैक्ट करके ले गया और H इसको यहाँ से मिल गया, एसिडिक मीडियम था तो ये NH3 बना लिया, क्लियर। अब ये कार्बोकैटायन कैसा बना, प्राइमरी कार्बोकैटायन बना, क्या बना, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बना। मैंने अभी क्या कहा, यदि पॉसिबिलिटी होती है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये अपने यदि मैं इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट कर दूं, हाइड्रोजन शिफ्ट कहां से, C2 कार्बन से किसमें कर रही हूं, C1 कार्बन पे, तो क्या होगा, देखो आप, ये 2 वाला कार्बन था, ये रहा हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा और ये इस, ये हाइड्रोजन H माइनस की फॉर्म में आ गया, अब ये माइनस और ये प्लस इनके बीच में तो बॉन्ड बन जाएगा और ये यहाँ पे CH जो बचा है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने क्या कहा, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये कौन लेके जाएगा, हाइड्रोजन, और H प्लस एच माइनस की फॉर्म में निकल जाएगा, ये H माइनस किस पे जाके अटैच हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव जो ग्रुप है इस ग्रुप पे लग जाएगा, तो ये तो क्या बन जाएगा, CH3, और इस पे क्या जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। अब कौन सा कार्बोकैटायन बना, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और पॉसिबिलिटी है नहीं इसलिए ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ प्रोडक्ट प्राइमरी में बनेंगे, कुछ प्रोडक्ट सेकेंडरी कार्बोकैटायन के बनेंगे। प्राइमरी कार्बोकैटायन से बनने वाले प्रोडक्ट का जो वेटेज है वो माइनर रहेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से बनने वाले प्रोडक्ट का जो वेटेज है वो मेजर रहेगा, क्लियर। और ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। क्योंकि वो रीअरेंज होके बना है, क्लियर। इस तरीके से यदि कहीं पे पॉसिबिलिटी है, कहीं पे टर्सरी कार्बोकैटायन बनना चाह रहा है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन शिफ्टिंग की है, ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल ग्रुप का भी शिफ्टिंग हो सकती है। मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप दोनों की आसानी से शिफ्टिंग हो सकती है, क्लियर। तो शिफ्ट करके हम मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं और उस कार्बोकैटायन पे फिर अटैकिंग स्पीसीज आके अटैक करती है
और आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्लास में कार्ब एनायन के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।